नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव का कुंभ राशि में अंतिम वक्री गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जब वक्री अवस्था का गोचर करेंगे कुंभ राशि में तो क्या एडवांटेज लेकर आएंगे और क्या डिसएडवांटेज लेकर आएंगे, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। गोचर फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। आप जानते हैं शनिदेव अभी जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गोचर काल का लगभग ये समझ लीजिए कि 10 महीने और बचे हैं खत्म होने में। यहाँ पर शनिदेव जो है अभी 30 जून को जो है वो वक्री अवस्था का गोचर करना शुरू करेंगे। 30 जून 2024 को रात 1 बजे रविवार के दिन शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में वक्री अवस्था का गोचर शुरू करेंगे। 139 दिन तक शनिदेव यहाँ पर वक्री रहेंगे और शनि यहाँ पर 15 नवंबर 2024 तक रहेंगे वक्री अवस्था के। उसके पश्चात शनिदेव 29 मार्च 2025 तक जो है वो इस कुंभ राशि में रहेंगे और उसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि अब से या आज से, अब मई महीने चल रहा है तो अभी से देख लीजिएगा कि 10 महीने जो है शनिदेव और कुंभ राशि में गोचर करते हुए रहने वाले हैं। ये जो समय रहेगा वक्री अवस्था के गोचर काल का शनिदेव का, ये मेरे तुला राशि के भाई बहनों के लिए क्या एडवांटेज लाने वाला है, उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें शनिदेव देंगे, उनके जीवन में क्या बुरा होने वाला है, उनके जीवन में क्या अच्छी घटनाएँ यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ घटाने वाली है, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको वैवाहिक जीवन का सुख कब मिलेगा, कब आपको अच्छे से संतान सुख प्राप्त होने वाला है, आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, कब आपके जीवन में व्यापार का सुख मिलेगा, कब आपके जीवन में नौकरी का सुख मिलेगा, नौकरी आपकी कब अच्छे से लगेगी, पदोन्नति कब होगी, या आपके जीवन में मकान का सुख कब होगा, वाहन का सुख कब होगा, कब आपको जो है आपके जीवन में कर्ज मुक्ति मिलेगी, बीमारी से मुक्ति कब मिलेगी, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे अवश्य करवाइएगा। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे भाई तो दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे तुला राशि के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का कुंभ राशि में वक्री अवस्था का अंतिम चरणों का गोचर। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अगर देखा जाए तो योग कारक प्लेनेट होते हैं, चतुर्थ और पंचम स्थान के स्वामी होते हैं और पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। पांचवें घर में शनिदेव का गोचर है। पहले यहाँ पर अगर 2 वर्षों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे परिणाम दुष्परिणाम आपको देखने को मिले होंगे। देरी हर काम में, आय प्राप्ति में समस्या आई होगी, आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखा होगा आपने, आपके व्यापार में थोड़ी परेशानियाँ आपको देखने को मिली होगी, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में देखी होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही होगी, आपको बहुत लगा होगा कि मैं ये करूँगा तो मुझे फ़ायदा मिलेगा लेकिन आपको प्रॉफिट भी नहीं मिला होगा, आपको लाभ भी अर्जित नहीं होगा, इनकम भी थोड़ी स्टक हो चुकी होगी आपकी। हो सकता है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने घूमने फिरने वाले लोगों के साथ थोड़ा मान सम्मान में कमी देखने को मिली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शनिदेव यहाँ पर जो है आपके धन की स्थितियाँ भी आपको परेशान करते हुए नज़र आएंगे, धन परिवार से भी कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती है, आपकी वाणी के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं, इस तरीके के फल हो सकता है आपको प्राप्त हो रहे हो। लेकिन अब शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे मेरे तुला राशि के भाई बहनों, क्योंकि शनि जिस घर में विराजमान है पंचम स्थान में विराजमान है और यहाँ से 3 ग्रहों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियाँ होती है। शनि अपने से 3रे 7वें 10वें घर को देखेंगे, शनि जो है 7, 11 और 2 घर को प्रभावित करने वाले हैं। 7वां घर आपके दाम्पत्य जीवन का 7वां घर होता है, आपके व्यापार का 7वां घर, पार्टनरशिप के बिजनेस का, डेली इनकम सोर्स पैसा जो डेली आता है उसको देखते हैं शनिदेव। 7वीं दृष्टि से आपके आय स्रोत को देखेंगे, इनकम सोर्स के घर को देखने वाले, लाभ प्रॉफिट आपके जीवन में जो भी आपका जानने वालों का एरिया, आपकी कम्युनिटी का जो एरिया है उसको देखते हैं शनिदेव। और यहीं अगर इनके 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो धन कुटुंब परिवार और वाणी के घर को यहाँ पर शनिदेव देखने वाले हैं। शनि योग कारक है तो अच्छे परिणाम ही देंगे और अब यहाँ पर वक्री अवस्था का गोचर शुरू कर रहे हैं। हो सकता है पहले टाइम में आपको 2 वर्षों के टाइम में काफ़ी परेशानियां देखने को मिली, शनिदेव का ये गोचर काल हो सकता है आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो। जिस घर में शनिदेव विराजमान है वो आपके संतान का घर भी है तो संतान प्राप्ति में विलंब आपको देखने को मिला हो, संतान प्राप्ति में समस्याएं आपको देखने को मिलने वाली हो सकती है। हो सकता है संतान से रिलेटेड काफ़ी खर्चे लगे हुए रहे हो, आपकी लव मैरिज में या लव अफेयर्स में समस्याएं आई हुई हो, या हो सकता है आपकी पढ़ाई थोड़ी स्टक हो चुकी हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, शनि का ये जो गोचर काल है
यह अब आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। शनि की स्थितियाँ जो है आपको संतान प्राप्तियाँ भी करवाएगी, शनि की स्थितियाँ लव अफेयर्स को मैरिज में भी कन्वर्ट कराएगी, जो लोग की तलाश अधूरी है उन लोगों की तलाश भी यहाँ पर शनि की स्थितियाँ पूरी करेगी। एजुकेशन लाइन में कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको देते हुए नजर आएगी। आय थोड़ी आपकी बढ़ी हुई आपको नजर आएगी और यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, डेली आय स्रोत जो है वो काफ़ी अच्छे से आपका चलता हुआ आपको नजर आएगा। शनि की ये जो दृष्टि है काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगी, लाभ प्रॉफिट की वृद्धि करने वाली है, आय वृद्धि करने वाली, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो काम आप जिस तरीके से सेट करना चाहते हो उस तरीके से ही होगा, उस तरीके से आपको फायदे मिलेंगे, धन परिवार कुटुंब से भी फायदे अच्छे से मिलेंगे। आपकी वाणी थोड़ी बिगड़ेल यहाँ पर शनिदेव कर सकते हैं जिसकी वजह से समस्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर बुध का साथ ले लिया जाए तो शनिदेव आपको बहुत ज़बरदस्त वाणी के ज्ञाता बना सकते हैं। हो सकता है आप जो है अपनी बातों से लोगों को मोह लेने वाले भी हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस पर शनि का दृष्टि होना यहाँ पर आपके धन की वृद्धि दायक समय वक्री अवस्था के गोचर में ला सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मेरे तुला राशि के भाई बहनों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शनिदेव का ये गोचर काल बहुत अच्छा आया हुआ है। अब वक्री अवस्था का जो गोचर काल है वो अच्छे परिणाम आपको देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री अवस्था का होता है तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम देता है। तो यहाँ पर शनिदेव का ये वक्री अवस्था का मेरे तुला राशि के भाइयों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जीवन में हर प्रकार से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, संतान प्राप्ति में विलंब था दूर होगा, संतान प्राप्तियाँ करवाएंगे शनिदेव, यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के सुख को अच्छा करेंगे, आय प्राप्ति अच्छे से कराएंगे, पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छे से रखने वाले होंगे। परिवार का जो शून्यता थी, परिवार में जो आपके एक ये समझ लीजिए कि परेशानियाँ किसी न किसी तरीके से आती ही रहती थी वो सारी दूर होती हुई आपको नजर आएगी। शनि यहाँ पर 29 मार्च 2025 तक शनि का यहाँ पर विराजमान होना, फिर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तब तक आपको शनि जो है वक्री अवस्था के गोचर के बाद भी 29 मार्च 2025 तक अच्छे परिणाम देंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कुंडली में शनिदेव की स्थितियाँ खराब हुई, कुंडली में शनिदेव कई उतार चढ़ाव भरे चले गए, शनिदेव कई गलत स्थितियों में बैठ गए, तो यहाँ पर आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे बल्कि और उल्टे बुरे परिणाम मिल सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि शनिदेव का कुंभ राशि में अंतिम वक्री गोचर यहाँ पर मेरे तुला राशि के भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अब शनिदेव जो है वो 30 वर्षों बाद जो है वो इस कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 30 वर्षों बाद आएंगे तब वो वक्री अवस्था का गोचर करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर शनिदेव जिस भाव में है वहाँ पर तो आपको अच्छे परिणाम दे ही सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अंतिम गोचर है तो अंतिम चरणों में शनि बहुत अच्छे परिणाम भी देकर जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राज। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।